Hello friends, welcome to this channel Bylaw Academy. It is the digital venture of Bylaw Foundation Law Academy. Friends, आज के लेक्चर में हम IPC के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे जो कि जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है और ये जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये किसी भी ऑफेंस के मामले में क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिसाइड करता है. फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो मेंस रिया होता है वो किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का एक वेरी एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है और अगर किसी भी ऑफेंस में मेंस रिया अवेलेबल नहीं है तो उस पर्सन को जिसने ऑफेंस किया है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है. यानी कि किसी भी ऑफेंस के होने के लिए एक्टस रियस के साथ साथ मेंस रिया का होना मैंडेटरी होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस. लेकिन फ्रेंड्स, आईपीसी में जो है प्रत्येक ऑफेंस में, या हम ऐसे बोल सकते हैं आईपीसी में किस तरीके से मेंस रिया को एप्लीकेबल किया गया है, क्लियर. कॉमन लॉ में क्या होता है, कॉमन लॉ में वहां पर एक इन्फ्रेंस होती है, एक प्रजम्पशन होता है कि किसी भी ऑफेंस के लिए मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्लियर. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत हर एक ऑफेंस में वो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं या वो सारे टर्म्स मेंशन किए गए हैं जो मेंस रिया को इंडिकेट करते हैं, जैसे डिसऑनेस्टली, क्लियर, या फिर कहीं ऐसा टर्म लिखा हुआ है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस ऑफेंस के लिए मेंस रिया का होना मैंडेटरी है, क्लियर. और अगर कहीं पर मेंस रिया को ऑफेंस से बाहर किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए भी आईपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं. यानी कि जहां पर मेंस रिया अवेलेबल नहीं है, जहां पर मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी और ऐसे एक्टस रियस को, ऐसे एक्ट को जो है क्राइम ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो इस तरीके के जो एक्ट हैं वो जनरल एक्सेप्शन यानी चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी इसमें दिए गए हैं, ठीक है. इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स सामान्य अपवाद. यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे. जो चैप्टर 4 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 95 तक और दूसरा पार्ट सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक, ठीक है. इसको 2 पार्ट में इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि पहला वाला पार्ट यानी कि सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 95 ये जनरल एक्सेप्शन से संबंधित प्रोविजंस को कंटेन करता है, ठीक है. और इसका दूसरा पार्ट जो है वो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है. सेक्शन 96 से 106 में आपको जो भी प्रोविजंस मिलेंगे वो सारे एक्ट हैं जो कि प्राइवेट डिफेंस में, आत्मरक्षा में किए जाते हैं, ठीक है. और फ्रेंड्स, ये जो पूरा चैप्टर है चैप्टर 4, इसमें टोटल 31 सेक्शंस हैं और इन सारे सेक्शंस को हम लोग 7 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो डिवीज़न यहाँ पर किया गया है ये इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी कि इस डिवीज़न के जरिए आप इजली इसको समझ सकते हो और इजली माइंड में रिटेन भी कर सकते हो. तो 7 हेड्स कौन कौन से हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट हेड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 76, सेक्शन 79. ये 2 सेक्शन जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित हैं कि कोई भी ऑफेंस किया गया है, ठीक है, और वो ऑफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुआ है, ठीक है, इसलिए वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा. इसमें सेक्शन 76 और सेक्शन 79 2 सेक्शंस दिए गए हैं. सेक्शन 76 बोलता है कि जो भी पर्सन बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, यानी कि उस काम को करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है, ठीक है, और वहाँ पर वो कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, जहाँ पर
उससे किसी फैक्ट के संबंध में, चाहे वो अपनी अथॉरिटी के संबंध में या फिर किसी सामने वाले पर्सन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर कॉज मतलब ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके संबंध में मिस्टेक हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से सेक्शन 79 है, वो ऐसे एक्ट के बारे में प्रोविज़न कर रहा है जो कि मिस्टेक की वजह से जस्टिफाई माने गए हैं लेकिन वो जस्टिफाई नहीं थे, ठीक है। इसको हम आगे खैर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग हेड्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा देखा जुडिशियल एक्ट, ठीक है। जुडिशियल एक्ट में आता है कि कोई भी जज, क्लियर, जज का कोई भी एक्शन और उसकी एक्शन की वजह से कोई भी ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि बीइंग अ जज, एक पर्सन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से कोई भी मिस्टेक कमिट हो जाती है, कोई भी मतलब ऐसा एक्ट जो इलीगल माना जा रहा है, ठीक है, वो कमिट हो जा रहा है, तो वो जनरल एक्सेप्शन के इस हेड के अंतर्गत आ जाएगा और जज के उस पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें सेक्शन 77 आ गया। और दूसरा एक्सेप्शन है कि जज का कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर के परसुएंट में, यानी कि उस ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके एप्लीकेशन के क्रम में कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो उसको भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है, वो आएगा सेक्शन 78 के अंतर्गत। इसको, इन सारे प्रोविजंस को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है आपका थर्ड हेड, दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट सेक्शन 80 के अंतर्गत भी आता है, यानी एक्सीडेंटल एक्ट्स को ऑफेंस नहीं माना जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर का हेड। चौथे नंबर के हेड में कई सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, और इन सारे सेक्शंस, ये जितने प्रोविजंस हैं कलेक्टिवली, इनके लिए हम एक हेडिंग दे सकते हैं, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि जहां पर आपराधिक आशय अनुपस्थित है, जहां पर क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट है, ठीक है, वो सारे एक्ट ऑफेंस नहीं माने जाएंगे, यानी कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म, ठीक है, किसी दूसरे हार्म को अवॉइड करने के क्रम में कोई एक्ट किया गया और उसकी वजह से कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो वो 81 के अंतर्गत एक्सेप्शन माना जाएगा, ठीक है, और वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 82 एंड 83। 82 और 83 ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं वो एक्ट ऑफ चाइल्ड से संबंधित हैं, यानी कि 7 ईयर्स तक का कोई भी बच्चा कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये सेक्शन 82 में बोला गया है। और इसके बाद 7 से 12 साल तक का कोई बच्चा यदि ऑफेंस कर रहा है तो वो भी सेक्शन 83 के अंतर्गत किस में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा, और उसकी किस तरीके से क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 84, ये एक्ट ऑफ ल्यूनेटिक, इंसेन पर्सन के एक्ट के बारे में प्रोविजन कर रहा है, ठीक है। इंसेन पर्सन होगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है, मेंटल फैकल्टीज एक्टिव नहीं होंगी, जिसकी वजह से उसका कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, इसलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद एक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे में है, है ना, और कोई ऑफेंस कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि नशे में होने की वजह से उसकी मेंटल फैकल्टीज एक्टिव नहीं है और कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन वहाँ पर अराइज नहीं हुई है, तो ऐसे एक्ट को 85-86 के अंतर्गत रखा गया है, सेक्शन 85-86, ठीक है। अब किन कंडीशंस में इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को इम्यूनिटी मिलेगी, छूट मिलेगी, ये हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन है फोर्थ हेड के अंतर्गत, बोनाफाइड एक्ट फॉर अदर बेनिफिट, यानी कि दूसरे के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए सद्भाव में किया गया, बोनाफाइडली, बोनाफाइड एक्ट, सद्भाव में किया गया कोई एक्ट, भले ही उसकी वजह से कोई हार्म या ऑफेंस कमिट हो जाए
लेकिन तब भी उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे क्योंकि वो सेक्शन 92 के अंतर्गत इम्यून्ड है, एग्जम्प्टेड है। क्लियर। इसके बाद आता है सेक्शन 93, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, यानी कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन, जैसे कोई खबर दी जाती है कि आपका बेटा एक्सपायर हो गया और फादर का सुन के ही हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो खबर दी गई थी, कम्युनिकेशन किया गया था, वो गुड फेथ में किया गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि सामने वाला पर्सन एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गुड फेथ में जो कम्युनिकेशन किए गए हैं वो 93 के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होंगे। इसके बाद एक्ट डन अंडर थ्रेट, किसी को डरा धमका के जबरदस्ती काम करा लेना, ठीक है, कि तुम चोरी करो वरना तुमको मार देंगे, तो इस तरीके के जो अंडर थ्रेट एक्ट किए जाते हैं वो सेक्शन 94 के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होते हैं। अंडर थ्रेट का मतलब जिस व्यक्ति ने थ्रेट के अंडर में ऑफेंस किया है, अंडर थ्रेट ऑफेंस किया है, उसको एग्जम्प्टेड माना जाएगा सेक्शन 94 के अंतर्गत, ठीक है। ये चार हेड्स हो गए। चार हेड्स के बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर के हेड्स पर, ठीक है, और पांचवा हेड ये बोलता है एक्ट डन बाई कंसेंट, यानी कि कंसेंट, सहमति से, सम्मति से कोई भी अगर एक्ट हुआ है तो वो 87 से लेकर के 91 इसमें क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। इसके बाद सिक्स हेड है ट्रिफलिंग एक्ट्स, सेक्शन 95 के अंतर्गत। ट्रिफलिंग एक्ट का मतलब होता है कोई छोटे से एक्ट, ठीक है, तुच्छ टाइप के, यानी जैसे पब्लिक प्लेस पर आप जा रहे हो और किसी पर्सन के हल्के से आपने पीठ पे थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वो बोलेगा आपने मुझे हर्ट कर दिया, ये एक मामूली सा एक्ट है, ठीक है, और इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इस तरीके के तुच्छ छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 95 के अंतर्गत जो है उन्हें एक्सेप्शन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स सेवन्थ हेड, और सेवन्थ हेड जो है वो अब प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आईपीसी में अपने शरीर की रक्षा करने का भी अधिकार है और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का भी अधिकार है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, इसमें सेक्शन 96 से लेकर 102, 104 और 106 ये प्रोविजंस हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी के मामले में सेक्शन 96 से 99, इसके बाद 101, 103, 105 ये सेक्शंस इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर 4 को कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइज करने के बाद फिर हम एक एक प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 हेड्स में पूरे चैप्टर को कैटेगराइज कर लिया। अब हमें आइडिया लग गया कि हाँ चैप्टर 4 के अंतर्गत कौन कौन से ऑफेंसेज हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना है। तो एक एक करके अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट हेड पे, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो बातें हैं, बाउंड बाई लॉ एंड जस्टिफाइड बाई लॉ, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79, ठीक है। देखिए, एक लॉ में मैक्सिम है जिसमें यह बोला गया है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ठीक है, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि मैंने एक एक्ट किया और मुझे पता ही नहीं है कि ये ऑफेंस है या ये किस लॉ का वायलेशन है, तो आपको कोई भी वहां पर क्षमा नहीं मिलेगी, कोई भी आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फैक्ट का मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो आपको जो है वहां पर एग्जम्पशन मिल सकता है। सेक्शन 76 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, इसको हम लोग बेयर एक्ट में एक बार पढ़ते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि सेक्शन 76 क्या बोल रहा है। देखिए, सेक्शन 76 की आप हेडिंग पढ़ोगे, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो कि पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कानून के द्वारा ऑथराइज है, बाउंड है,
ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। सेक्शन 76 के अंतर्गत मान लीजिए कोर्ट का एक ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप जाके किसी पुलिस ऑफिसर से, एक पर्सन है ए, उसको अरेस्ट करके लाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड बाई लॉ है ना, और वो ए को अरेस्ट करने जाता है और बी एक पर्सन है, ठीक है, और मिस्टेक की वजह से पुलिस ऑफिसर समझता है कि हाँ यही ए है, और ऐसे गुड फेथ में या बिलीव करते हुए कि बी ही ए है, पुलिस ऑफिसर बी को अरेस्ट कर लेता है और थाने में ले जाके पता पड़ता है कि वो तो ए है ही नहीं। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से मिस्टेक हुई है, ठीक है, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाएगा सेक्शन 76 के अंतर्गत, ठीक है। अब सेक्शन 79 क्या बोलता है? सेक्शन 79 की डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्शन 79 बोलता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो एक्ट ठीक है जस्टिफाइड बाय लॉ हो, है ना, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो एक्ट जो है सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है, एक ऑफेंस हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति एक्ट कमिट कर रहा है वो ये समझ रहा है कि मेरा एक्ट जस्टिफाइड है, लेकिन मिस्टेक की वजह से वो कमिट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 43 बोलता है कि प्राइवेट पर्सन, अगर उसके सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो ऑफेंस करने वाले पर्सन को वो पकड़ सकता है, या उसे डाउट है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसको वो अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन और थाने में उसको सौंप सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक प्राइवेट पर्सन है ए, उसके सामने से एक व्यक्ति बी गुजर रहा है, ठीक है, और ए के नॉलेज में जस्ट 10-20 मीटर की दूरी पर एक मर्डर हुआ, ठीक, और बी वहां से गुजर रहा है, बी के हाथ में एक चाकू है, उसके जो कपड़े हैं वो रेड कलर से रंगे हुए हैं, तो ए को ये डाउट होता है, पूरी तरीके से डाउट हो जाता है कि ये पर्सन मर्डर करके भाग रहा है। तो ए अपने को जो है लॉ के द्वारा जस्टिफाइड समझते हुए बी को पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है और उसको थाने में ले जाके सौंप देता है। लेकिन जब थाने में ले जाया गया बी को, तब पता पड़ा कि बी ने तो मर्डर किया ही नहीं था, वो तो जस्ट मतलब चाकू मार्केट से लेके आया था और उसके कपड़े कलर से रंग गए थे, किसी ने कलर फेंक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है, बी अगर ये बोले कि नहीं, ए ने मुझे गलत तरीके से जो है डिटेन किया है, हम ए के अगेंस्ट जो है चार्ज लगाएंगे, ए के अगेंस्ट हम केस करेंगे, ठीक है, इसने मुझे गलत तरीके से डिटेन किया है, तो इस कंडीशन में ए को सेक्शन 79 का डिफेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो ये मान के बी को अरेस्ट किया था ए ने, कि उसका जो एक्ट है अरेस्ट करने का वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी सीआरपीसी का सेक्शन 43 आपको ये अथॉरिटी दे रहा है कि अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, और ए ने इसी विश्वास में बी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए के उस एक्ट को सेक्शन 79 के अंतर्गत क्या मिलेगा? गुड डिफेंस मिलेगा, और ए का ये एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ माना जाएगा, ठीक है, और ए के ऊपर कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 76 और सेक्शन 79 दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। हम एक एक करके इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल एक्ट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एपिसोड है आप उस पर क्लिक करिए, वहाँ पर इसका डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा, और आप अपडेट रहने के लिए या जो भी हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको अगर क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में आप अबाउट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मेल आईडी मिली होगी, कमेंट में आपको मेल आईडी, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी प्रोवाइड की जा रही है, उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे
विदाउट एनी हेजिटेशन आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।